बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो बात है वो थोड़ी सी साइकोलॉजिकल है, लेकिन इसे हमें समझना ज़रूरी है। और इसका मौजू ये है कि जो आप सोचते हो ठीक है, उससे उसका मुतबादिल भी एक सोच हो सकती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं अल्टरनेटिव सोच, अल्टरनेटिव थॉट्स। हमारा जो मेजर प्रॉब्लम होता है मसाइल का, झगड़ों का, आपस की लड़ाई का, यहाँ से ओके, उसकी वजह ये होती है कि हम इस जगह पे खड़े होते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, और जो आप कह रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो गुफ्तगू में और सोचने में मुख्तलिफ सिमतें हो सकती हैं, एक ही बात को कई तरह से सोचा जा सकता है, ठीक है। और आप अगर ये बात समझ लें कि कोई भी सोच फाइनल नहीं है और उसे अभी तजज़िये की ज़रूरत है या एनालिसिस करने की ज़रूरत है या क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, सही है, तो बेशतर जो मसाइल पैदा होते हैं हमारे आम ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ, उसकी असल वजह ये होती है कि हम अपने तौर पर ये समझ लेते हैं कि बस ये जो मैं सोच रहा हूँ ये ठीक है और जो सामने वाला सोच रहा है वो गलत है, ठीक है। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आप जो सोच रहे होते हैं वो जिस बुनियाद पर सोच रहे होते हैं वो बुनियादी गलत होती है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो स्कूल में वालदे आके हमसे झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं या उनसे तू तू मैं होती है, तनाज़ा हो जाता है हमारा उनके साथ, और उसकी क्या वजह होती है, वो ये कहते हैं कि एक उस्ताद को ना ऐसा होना चाहिए, स्कूल को ऐसा होना चाहिए। तो वो आके जैसे हमसे कहते हैं भाई वो हमारे बच्चे की तो कापी खोलते हैं हम, उसमें उसकी राइटिंग ऐसी है कीड़े मकोड़े बनाता है वो, तो आप राइटिंग सही नहीं कराते इसके, कैसा स्कूल है ये, कैसे उस्ताद हैं आप। तो असल में उन्होंने उस्ताद का काम क्या समझा हुआ है कि वो राइटिंग सही कराए। उस्ताद के लिए उनका जहन क्या कहता है कि भाई उस्ताद वो होता है जो जिसकी अपनी भी राइटिंग सही हो और वो बच्चों की भी राइटिंग क्या कराए, सही कराए। अच्छा, अब हम भी बैठे हैं उसके सामने बात करने के लिए, तो वो क्या सोच लेके बैठा है कि उस्ताद तो वही होता है जिसकी राइटिंग अच्छी हो या जो इंग्लिश सही बोल पाता हो। अक्सर लोग ऐसे भी आते हैं, बोला आपको इंग्लिश बोलनी तो आती नहीं है, आप कैसे उस्ताद हुए। तो उन्होंने ये ख़्याल किया हुआ है, उनके जहन में उस्ताद की तस्वीर ये है कि वो इंग्लिश अच्छी बोल पाता हो और उसकी राइटिंग अच्छी हो, सही है। और जब वो कहीं से गुज़रे तो बच्चे उनको देख के, बच्चों का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस, बच्चे उनसे डरें, उस्ताद खौफ की अलामत हो, कोई बच्चा उनके सामने कोई बात नहीं बोल सके। अब वो ये ख्यालात लेके बैठे हैं और वो आए हमसे मिलने के लिए और वो कहते हैं जी हमारा बच्चा तो बहुत ही जो है वो बदज़बान हो गया है, उसे तो किसी का डर ही नहीं है, आप कैसे उस्ताद हो, वो तो किसी से डरता ही नहीं है और उसकी तो राइटिंग भी बहुत ख़राब है, सही है।
तो अब उनके जहन में उस्ताद का एक तसव्वुर है कि वो उस्ताद को ये काम करने चाहिए, उसको डराना चाहिए, उसे जो है वो राइटिंग सही करानी चाहिए। अच्छा, हम जब उनसे बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या होता है उस्ताद? हमारे जहन में उस्ताद होता है शफीक, बच्चों से शफ़क़त से पेश आने वाला। और हमारे जहन में उस्ताद वो होता है जो बच्चों की ज़हनी नशोनुमा करे, ना कि राइटिंग सही कराए। आप समझ रहे हैं आप बात को? वो क्या जहन लेकर आए? उनके जहन में उस्ताद का एक अपना एक माइंड सेट है, उनका पैराडाइम है, उनका अपनी एक सोच है। और हम जो बैठकर बात कर रहे हैं, हमारे पास उस्ताद के लिए एक अलग ही सोच है। अब कर लें बात दोनों, क्या होगा? वो हमारी बात समझ लेंगे? नहीं। हम उनकी बात समझ लेंगे? नहीं। बिल्कुल सेम यही सिचुएशन आपके घरों में भी होती है। जब दो अफराद बात करते हैं तो एक आदमी का कुछ पैराडाइम होता है, कुछ उसकी बात, उसके जहन में कुछ बुनियादी बातें होती हैं, और दूसरा आदमी जो सुन रहा होता है, जो जवाब देता है, उसके जहन में कुछ बुनियादी बातें होती हैं। और पहला आदमी समझता है कि मैं सही हूँ, और दूसरा आदमी क्या समझता है? कि मैं सही हूँ। अब जैसे जो वालदेन आके हमें ये कहते हैं कि भाई वो बच्चे तो डरते ही नहीं हैं आपसे, और बच्चों की राइटिंग भी ख़राब है, आप तो इस पर काम ही नहीं करते, और हम कहते हैं हाँ हम तो नहीं करते, तो बड़े हैरान होते हैं, अच्छा आप ये काम नहीं करते, तो आप कैसे उस्ताद हुए? बेकार है, हमने खामा खा यहाँ दाखिला दिलाया आपके बच्चे को, हमें चाहिए किसी अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाएं। उनका अच्छा स्कूल का मतलब भी क्या होता है जहन में? अच्छा, हम किसी और पैरामीटर में सोच रहे हैं। तो बताने का मकसद आपको ये है कि जब तनाज़ा खड़ा होता है दो अफराद के दरमियान, उस तनाज़े की बुनियादी वजह क्या होती है? कि एक आदमी कुछ बुनियादी चीज़ों की बुनियाद पर सोच रहा होता है, और दूसरा आदमी उसको बात को उसको नहीं समझ पाता। कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि दोनों अफराद सबसे पहले ये तय करें, ये समझें कि आप जिस बुनियाद पर बात कर रहे हो वो क्या है, और मैं जिस बुनियाद पर बात कर रहा हूँ वो क्या है। पहले इसको समझना ज़रूरी है। जब इसको समझ लेते हैं तो फिर दोनों की बात को अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है। सही है? जैसे वो जो आए हैं पेरेंट्स, वो जब बात करें कि ऐसा 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 ये, तो मैं उनको सबसे पहले ये बताऊं कि भाई देखें, आपके जहन में उस्ताद का जो तसव्वुर है वो कुछ और है, और मेरे जहन में उस्ताद का तसव्वुर कुछ और है। आइए पहले इस पर बहस कर लेते हैं, इस पर बात कर लेते हैं। भाई आपके जहन में उस्ताद खौफ की अलामत होना चाहिए, वो डंडे से मारे सबको, क्योंकि वो जब स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर भी उस्ताद ऐसे ही होते थे, तो उन्होंने जैसे उस्ताद देखे हैं वैसे उस्ताद वो उस्ताद समझते हैं। अब मैं उनको समझाऊँ कि भाई देखें, बच्चों को मारने पीटने से हैं वो नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। दुनिया की ये रिसर्च है कि जब बच्चों को जदोकूब किया जाए, मारा जाए, जलील किया जाए, क्लासरूम में उनको हद तक इज़्ज़त का निशाना बनाया जाए, तो वो बदला लेने लगते हैं, उनमें जुर्म पैदा होता है। सही? वो बागी हो जाते हैं पढ़ाई से, तालीम से। और किसी भी बच्चे से जब पूछा जाए आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा होता है, तो वो वही सब्जेक्ट का नाम लेता है जिसका टीचर बहुत पोलाइट हो, जिसका टीचर बहुत मोहब्बत करने वाला हो। इसका मतलब है बच्चों से बच्चे उसी सब्जेक्ट को फेवरेट करार देते हैं जिसका टीचर उनके लिए बहुत पोलाइट हो। अब मैं जब उनको ये बात समझाऊँगा तो उनको ये बात समझ में आएगी कि वो ये तो गलत सोच रहे हैं वो तो, और मुझे आके वो क्या जोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी बच्चों को मारूं, पीटूं, उनको डांटूं। सही है? तो वो चाहते हैं कि मैं वो काम करूं जिससे बच्चों में नफ्सियाती मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो अब जब मैं उनको ये बात समझाऊंगा तो उनको फिर ये बात समझ में आएगी। ठीक है? तो मसला ये होता है कि अगर सब लोग इस पर खड़े हो जाएँ कि तुम गलत कह रहे हो मैं सही कह रहा हूँ, और वो वाला बोले मैं सही कह रहा हूँ तुम गलत कह रहे हो, तो फिर इससे किसी भी बात का हल नहीं निकल सकता। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हर फर्द अपने अंदर ये सोच रखे कि दूसरा जो आदमी बात कर रहा है उसकी कुछ बुनियाद है, गलत और सही की बात नहीं हो रही, और उस बुनियाद पे वो सही कह रहा है, उस बुनियाद पे वो एक जो वालिद आए हैं मेरे पास, वो कह रहे हैं ये मेरे बच्चे को सुबह शाम पीटा करो सही से,
तो उनके जहन में कुछ बुनियाद होगी ना इसकी, और उस बुनियाद पे वो बात कह रहे होंगे। तो मैं क्या बोलूँ, आप गलत कह रहे हो, नहीं मैं उनको बिठा के समझाऊँ कि भाई क्या वजह है, ऐसा क्यों है, फिर उसको एनालाइज़ किया जाए। बाज़ोकात एनालाइज़ करने के दौरान लोगों को और हमें भी पता चल जाता है कि ये सोच हमारी गलत है। ठीक है, और हम इस सिलसिले में गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कब होता है, जब दोनों पोलाइट रहकर एक दूसरे की बात को समझने के लिए तैयार। अच्छा, आने वाले से मैं फौरन कह दूँ, अबे तुम्हें क्या पता, तुम तो ही बेकार आदमी, यहाँ से शुरू करूँ मैं बात। उनको मैं बोलूँ मैं ज़्यादा जानता हूँ, तुम ज़्यादा जानते हो, यहाँ से शुरू करूँ बात। अक्सर ऐसा होता है, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, वो आने वाले को बोलते हैं तुम कितने पढ़े हुए हो, मैं ऐसे पूछता हूँ कितने पढ़े हुए, बोलता है मैंने मैट्रिक किया। फिर मैं उनको बताता हूँ मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैंने ये पढ़ा हुआ है, मैंने ये पढ़ा हुआ है। मैं कहता हूँ तुम्हारे कितने बच्चे हैं, बोलते मेरे दो बच्चे हैं। मैं कहता हूँ मैं 36 साल से जो है वो सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब मैं असल में उसको बात नहीं बता रहा कि वो क्या सोच रहा है, बल्कि क्या साबित कर रहा हूँ कि वो छोटा है और मैं क्या बड़ा हूँ। जब मैं ये साबित करूँगा तो वो मेरी बात मान लेगा, नहीं वो तोड़ जाएगा। तो हमारे यहाँ तनाज़े का और कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है ये। हर कम्युनिकेशन लड़ाई पे ख़त्म होती है, हर बात शुरू बात से होती है और ख़त्म कहाँ होती है, लड़ाई पे होती है। इसकी वजह क्या है, वजह ये है कि जो दोनों अफराद होते हैं वो ये समझते हैं कि हम सही हैं, और दोनों अफराद ये कोशिश कर रहे होते हैं कि ख़ुद को बड़ा साबित करें और सामने वाले को छोटा साबित करें, छोटे से मुराद कम। और माँ बाप तो इसमें, और आपको पता वो तो फितरी तौर पर बड़े हैं, दो उम्र में भी बड़े हैं, तो वो इसका तो बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। वो कहता है तुम हमारे इतने इतने से दो, तुम सही है हमारे सामने इतने से दो, तुम बालिश भर के, ऐसे बोलते हैं। फिर तो वो बालिश भर के बोल के इसका जवाब आप दे सकते हो, आप जवाब दे ही नहीं सकते, आप बोल ही नहीं सकते कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आप बोलोगे हाँ भाई हूँ तो मैं आपका बेटा ही बेटी, मैं तो हूँ ही छोटा। तो वहाँ आके आप बात, मसला ये कि इस तरफ बात नहीं जानी चाहिए। जब भी आप कम्युनिकेट करें तो इस लिहाज से करें, सामने वाला जो बात कह रहा है वो किसी बुनियाद पर कह रहा है, और उसकी बात को उसकी बुनियाद पर समझने की कोशिश करें, और बोले हाँ भाई आप इस लिहाज से सही कह रहे हो। अच्छा, मैं जो बात कह रहा हूँ वो इस लिहाज से कह रहा हूँ, ज़रा मेरी बात भी समझें, और पहले आप अपनी बुनियाद बताएं उसको, भाई मेरी बात करने की बुनियाद ये है, इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। तो फिर कम्युनिकेशन में आता है, एक दूसरे के सामने लोग आते हैं, अल्टरनेट सोचते हैं। अल्टरनेट सोच हर वक्त अपने जहन में रखनी चाहिए। जो लोग अल्टरनेट सोच को एक्सेप्ट करते हैं, यानी अपनी सोच के अलावा भी दूसरी सोच को अहमियत देते हैं, वो ग्रो करते हैं, वो तरक्की करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, उनका जहन वसत पाता है, वो उनका जहन बड़ा होता है, ज़्यादा बातें सोच पाते हैं। और जो लोग बिल्कुल ये तय कर लेते हैं कि नहीं, जो हम कह रहे हैं हमने सुना है, हमने सोचा बस यही सही है, तो उनका जहन ग्रो नहीं करता, उनको एक्सपीरियंस नहीं बढ़ता। सही है, उनके पास बस एक दो टूल होते हैं जिससे वो सारी ज़िंदगी, सही है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, अगर जो है वो ऐसा होता है, बहुत लड़के इसको समझ लेंगे, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से कील ठोकना आ जाए, यानी आप दीवार में कील ठोकते हैं सही ठोक जाती है, लकड़ी में ठोकते हैं सही ठोक जाती है, आपने खूब प्रैक्टिस की और आपको कील ठोकना आ गई, तो आप कभी गौर कीजिएगा, आप हर मसले का हल कील ठोकने से सोचते हैं, क्योंकि आपको कील ठोकना बहुत अच्छी आती है। अम्मी आपसे कहती हैं भाई पर्दे लगा दो, एक ड्रिल मशीन लाओ, इसमें सुराख करो, सुराख करके जो है वो गिट्टियाँ मारो, गिट्टी मार के उसमें स्क्रू। आप क्या कहते हो, अरे छोड़े अम्मी इतने लंबे चक्कर में नहीं पड़े, कीलें उगाते हैं और ठोक देता हूँ मैं कीलें, समझ रहे हैं आप। यानी आप हर मसले का हल कैसे ढूंढते हैं, क्यों, इसलिए कि आपके पास कील ठोकने की सलाहियत मौजूद है बस। कभी कभी गौर कीजिएगा आप, हम लोगों के पास एक दो चार चीज़ें होती हैं बस,
उसी की बुनियाद पर हम क्या करते हैं, मसले हल करते हैं। नहीं, हमको अपना जहन खुला रखना चाहिए, जहन कुशादा रखना चाहिए, दूसरे शख्स की बात को भी सुनना चाहिए। हो सकता है उसके पास कोई दूसरा टूल हो, और हम अपनी लाइफ में अगर एक से ज़्यादा टूल इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो फिर हम मसले भी बहुत ज़्यादा हल कर पाएंगे। एक से ज़्यादा सोचने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले ये तस्वीर निकाल दें जहन से कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत। ये जो सोच है ना कि मैं सही हूँ बाकी सब गलत हैं, ये निकालनी पड़ेगी आपको। ये सोचना पड़ेगा मैं भी सही हूँ बाकी सब लोग भी सही हैं। यहाँ से शुरू करेंगे आप। आपस में रिलेशनशिप में जब कम्युनिकेशन होती है तो शुरू कहाँ से करेंगे, एहसास क्या लेके बैठेंगे, मैं भी सही कह रहा हूँ और ये जो सामने वाले लोग हैं ये भी सही कह रहे हैं, ये अपने लिहाज से सही कह रहे हैं और मैं अपने लिहाज से सही कह रहा हूँ। इनके पास सही कहने के लिए अपने दलाइल हैं और मेरे पास सही कहने के लिए अपनी अपनी नज़र है। कभी कभी जब आप दूसरों की बात को एक्सेप्ट करते हैं उनकी बुनियाद पर, तो उनमें भी ये हौसला पैदा होता है कि वो आपकी बात को एक्सेप्ट करें। ध्यान में रखिएगा, आप अगर चाहते हैं कि आपके दलाइल सुने जाएं, तो शुरू कहाँ से करना है? आपको लोगों के दलाइल सुनना है, आपको उनका जहन पढ़ना है, वो क्या कहते हैं, वो क्या चाहते हैं। और अगर वो कहीं बुनियादी गलती कर रहे हैं तो फिर आप उनको उन बुनियादी गलती पे बताएं, ये तो ये जो बात आप सोच रहे हैं, जिस बुनियाद पर आप सोच रहे हैं ये गलत है। सही है, जैसे कोई आदमी जो है वो चोरी करने को सही बता रहा हो, कोई चोरी करना क्या सही है, हम गए वहाँ रखी हुई थी अंगूर, बोला भाई यहाँ क्या किलो है अंगूर, और बोलते बोलते 5 अंगूर खा लिए ऐसी उठा के, 1 2 3 5 खा लिया, अबे सही नहीं है आगे चले गए। गाजर क्या किलो है, उसने बोला भाई ये, अबे नहीं इतने लगा लो, इतनी देर में आपने छोटी एक गाजर खा ली। तो बाज़ लोग इसको चोरी नहीं समझते और इसकी बुनियाद पर वो आपसे बात भी करते हैं, तो उनको आप पहले ये बताइए कि भाई ये जो आपने सोचा है कि ये चोरी नहीं है, आइए पहले इस पे बात करते हैं, ये तो चोरी है। बग़ैर दाम अदा किए आपने किसी की चीज़ खा ली उसकी मर्ज़ी के बग़ैर, उसने दी भी नहीं आपको, तो ये तो चोरी है। तो मतलब कहने का ये है कि उलझना दुरुस्त नहीं है। सही है, मतलब हम लड़ना शुरू ना कर दें, भौंकना शुरू ना कर दें एक दूसरे पे, चीखना शुरू नहीं कर दें एक दूसरे पे, बल्कि उसकी बात सुने तवज्जो के साथ। इसके लिए ज़रूरी पता है क्या होता है, ज़रूरी होता है कि आपने किसी की बात सुनी और आपने जो रद्दअमल पेश किया इसके बीच में टाइम गैप होना चाहिए। समझ में आई आपको मैं क्या कह रहा हूँ? टाइम गैप समझते हैं आप? मैं आपसे बात कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो और फिर रद्दअमल पेश करोगे ना, तो सुनने और रद्दअमल पेश करने के दरमियान टाइम का क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। इसी से जहालत और तालीम का पता चलता है। जिन लोगों के रद्दअमल में टाइम गैप होता है वो शऊर वाले होते हैं, और जिनके रद्दअमल में टाइम गैप नहीं होता वो जाहिल होता है। ऐसे अंदाज़ा करते हैं आप, यानी किसी को ने गाली बकी एक बच्चे ने, दूसरे ने घूमते ही चमाट दे दिया उसको एक, तो जिसने गाली बकी थी वो उसका तो अभी पता नहीं चला क्यों बकी थी उसने, लेकिन जिसने छूटते ही चमाट दिया है और गैप नहीं दिया सुनने में और रद्दअमल पेश करने में, टाइम का गैप नहीं आया, एक लम्हा लगा उसने थप्पड़ लगा दिया उसको, इसका मतलब है कि जिसने थप्पड़ लगाया वो तो जाहिल है कन्फर्म। सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, अपने आप को देखें, इम्पोर्टेंट ये होता है, इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है कि ये बात किस, हाँ ये बड़ा मसला है सर कोई बात बोले तो वो मेरे लिए नहीं है, बोला वो इनको बोल रहा है, ओए तुम्हें बोल रहे तुम्हें, ऐसा नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ। हर आदमी अपने बारे में सोचे, क्या आप किसी बात को सुनकर फौरन रद्दअमल देते हैं या टाइम का गैप लेते हैं?
अगर आप टाइम का गैप लेते हैं, थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं, थोड़ा उससे पूछते हैं, दूसरी बात करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है आप में शऊर है, आप जिबिल्लत पर ज़िंदा नहीं हो बल्कि अक़ल पर ज़िंदा हो। ये तो जिबिल्लत है, मतलब कुत्ते भी जो लड़ते हैं आपने देखो कैसे लड़ते हैं, सोचते वोचते नहीं है वो, एक भौंकता दूसरा भी जो है वो अपनी नथने चढ़ा लेता है और भौंकना शुरू कर देता है। इंसान जब बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते हैं, टाइम का गैप लेते हैं, रद्दमल देने में और बात को सुनने में उनको फ़र्क होता है बीच में। बाज़ लोग थोड़ा टाइम लेते हैं, बाज़ लोग दो तीन दिन लेते हैं, एक दिन लेते हैं पूरा, सोचते हैं उस पर गौर करते हैं, तो ये शऊर की अलामत है। आपको सोच समझ के कम्युनिकेट करना चाहिए और दूसरे अफराद जो आपके सामने मौजूद हैं उनके लिए भी आपको कुशादा ज़हनी रखनी है कि वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो यकीनन वो भी किसी न किसी बुनियाद पर बात कह रहे होंगे। वो बुनियाद अगर गलत है तो उस बुनियाद पर बात की जा सकती है। उनकी बात को गलत साबित करने के लिए ज़रूरी है कि उनकी बुनियाद को आप गलत साबित करें। और ऐसा कब होगा? जब जज्बात में नहीं आएंगे, जब गुस्से में नहीं आएंगे, जब आप फौरन रद्देमल पेश नहीं करेंगे, जब रिलैक्स होकर बात करेंगे, ठीक है। तो जो जितना पढ़ा लिखा और शऊर वाला है उसका रद्देमल का टाइम गैप उतना ही ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा आपके अंदर कंट्रोल पैदा हो जाए तो आप बहुत सारी बातों का रद्देमल भी पेश नहीं करते। किसी ने आपको गाली बकी, आप क्या करो, आप बोलो मैं बात ही नहीं करता इस मौजू पर, तो रद्देमल पेश करना ज़रूरी नहीं है इसका। एक आदमी ने गाली बक के अपनी ज़बान ख़राब की है, मुझे थोड़ी ख़राब किया, ख़त्म हो गई बात। लेकिन जैसे ही आपको जज्बात आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, आप खड़े हो जाते हो और दो फाइट आपने लगाए, दो फाइट उसने लगाए, ऐसी तो कत्ल होते हैं। टाइम गैप ना होने की वजह से तो क्या होता है, कत्ल होता है, गुस्से में आके मार देते हैं गोली एक दूसरे को, ठीक है। तो मैंने जो बात आज आपको कही उसके उसका क्या खुलासा है, कौन बच्चा बताएगा? कौन करेगा इसका खुलासा? जो बात मैंने बताई इसका क्या खुलासा है? फारिस, हर शख्स की सोच अलग-अलग होती है। और वो अपनी सोच की बुनियाद पर बात कर रहा होता है और वो सही कर रहा होता है, अपने हिसाब से सही कर रहा होता है, और हम अपने हिसाब से, जब ये बात मान ली कि वो अपने हिसाब से सही कर रहा है तो आपको उसको के गलत करार देने की कोशिश करनी चाहिए। इंतहाई ख़राब बात कर रहा है तो फिर आप उसके साथ बात करेंगे, वरना हर आदमी अपने लिहाज से, आप भी अपने लिहाज से क्या करते हो, सही सोचते हो, लेकिन आपके पास अल्टरनेट सोच होनी चाहिए, एक से ज़्यादा सोचें होनी चाहिए, सही है। एक तो ये खुलासा, और कौन निकालेगा? नबील, आज की बात से आप क्या खुलासा निकालेंगे? वेरी गुड, हर चीज़ का फ़ौरन रिस्पांस नहीं देना चाहिए, यानी जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है तो आपको फ़ौरन उसका रिस्पांस, बल्कि क्या लेना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए, सही है। जैसे हमारे नबी ने बोला ना, जब कोई तुम्हें गुस्सा आए, और बड़ा अच्छा तरीके से समझाया उन्होंने ये बात, तो अगर तुम लेटे हो तो उठ के बैठ जाओ, अगर बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ, अगर खड़े हुए हो तो बैठ जाओ। वो बात यही है कि जैसे गुस्सा आए ना, सबसे पहले बैठ जाओ, सबसे पहले रिलैक्स करो, यानी फ़ौरन रिस्पॉन्स ना दो, टाइम का गैप लो। ये सिखाया हमारे नबी ने हमें कि आपको जब भी गुस्सा आए, आता है गुस्सा इंसान को, तो फ़ौरन रद्देमल पेश नहीं करें बल्कि टाइम का गैप, एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट रुकें ज़रा, सही है, और रुकने के बाद फिर आप उसको रद्देमल पेश करें। इससे क्या होगा? इससे आपको दूसरे का नुक्ता नज़र समझने का मौका मिल जाएगा, और दूसरे जो है ऐसे सोच रहे हैं। और हर आदमी जो बात करता है ना, उससे उसकी बात से आप नाराज़ ना हों, बल्कि आप जो है वो
ये सोचने की कोशिश करा करें कि ये जो बात ये कह रहा है ये किस बुनियाद पे कह रहा है, ये किस लिहाज से सोच रहा है। और सही तो सोच रहा अपने लिहाज से, लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचना चाहिए कि भाई ये बात इसने ऐसे क्यों बोली, इसके जहन में क्या चीज़ ऐसी है जो चल रही है। सही है। और फिर आप जब वो बात समझ लेंगे तो फिर आपके लिए मुमकिन होगा, आसान होगा कि उसे आप अपनी बात बेहतर तरीके से समझा सकें। सही है। तो ये जो लड़ना है, एक दूसरे को मारना है, पीटना है, गाली बकनी है, चीख के बात करनी है, ये जहालत का दर्जा है। इंसान जब शऊर में आता है, लिखता है, पढ़ता है, गौर फिक्र करता है, तो फिर वो फौरी रद्दमल पेश नहीं करता, सलीक़े से बैठ के बात करता है, तेज़ आवाज़ में चीख के बात नहीं करता, रिलैक्स होकर सुनता है एक दूसरे की नुक्ता नज़र को, उसको समझने की कोशिश करता है, थोड़ा टाइम लेता है, फिर उसका जवाब देता है। जवाब देते हुए भी वो ये नहीं सोचता कि मैं सामने वाले को नीचा दिखाऊं, बल्कि वो कहता है मैं सामने वाले को ये बताऊं कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो बात करने में, सोचने में। सही है। अभी हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल काम है, अगर आप ये सारा काम वालदेन के साथ शुरू कर दें तो वालदेन को और गुस्सा जाएगा, है ना। अगर आप उनसे बात करते हुए वो आपकी हटा रहे हैं और आपकी हट नहीं रही हो, अब मब्बा तो बात करते हैं तो क्या करते हैं, वो आपकी तजलील करते हैं और आप तजलील महसूस ना करें अपनी, तो उनको और गुस्सा आता है, ये साला बेहिस हो गया है, इसको एहसास ख़त्म हो गया है, मैं इतनी देर से इसको बुरा भला कह रहा हूँ लेकिन इसके सर पे जूं नहीं रेंग रही, इसके कानों पे जूं नहीं रेंग रही, वो ऐसे गुस्से में आ जाते हैं। हालांकि आपका ये अमल उनके लिए बड़ा इत्मीनान बख्श होना चाहिए, हमारे बच्चे जो है ना उनमें तवाज़ुन पैदा हो रहा है, वो बहुत गौर से बात को सुनते हैं, रिलैक्स रहते हैं, ये तो अच्छे लोगों की अलामत होती है कि वो फौरन रद्दमल पेश नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि तालीम इतनी आम नहीं है, आप जब माँ बाप बनेंगे आप इन बातों को ख्याल रखिएगा। सही है कि बच्चे जो बात करते हैं वो भी किसी वजह से बात करते हैं और हम भी किसी वजह से बात कर रहे होते हैं, तो हमें वो बुनियाद जो है उस पर गौर करना चाहिए, ना कि हर छोटी छोटी बात पर उलझना शुरू कर दें, लड़ना शुरू कर दें, एक दूसरे को मारपीट करना शुरू कर दें, गालम गुलो शुरू कर दें। सही है। तो शऊर की हालत में सब लोग रहेंगे। बस भाई।